Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। आपका होस्ट इमरान आबिद। होपफुली आपने लास्ट दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज के इस तीसरे लेक्चर के साथ पहले चैप्टर में जो कि हम पढ़ रहे हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिसिटी, आज का हमारा थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ा है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने देखा कि किस तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर कंट्रीब्यूशन पेश की। मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे जिनमें अलराजी, डोब्रायनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव एंड मोजले। मोजले ने एट द एंड एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया इन 1913-1914। एंड देन वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स एंड देन वी गेट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने लास्ट क्लास में देखा कि हम एलिमेंट्स को चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन ग्रुप एंड पीरियड्स, वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन सर्टन फैमिलीज, वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन ब्लॉक्स एंड ऑल्सो वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन देयर मेटालिक करेक्टर। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक ट्रेंड कह दें या पीरियोडिसिटी कह दें, बात एक ही है। पीरियोडिसिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जिन जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ना है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। टोटल 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने रीड करना है। अगर आप देखें तो सबसे ऊपर सबसे पहले नंबर पे आपके पास क्या मौजूद है, एटॉमिक साइज। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, देन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, देन हमने क्या पढ़ना है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आफ्टर दैट वी विल स्टडी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द लास्ट वी विल स्टडी हाइड्रेशन एनर्जी। ये 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स देखने हैं। पीरियोडिक ट्रेंड में अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि हमने इन प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक टेबल में जब रीड करना है तो हमने ये देखना है कि जो गिवन प्रॉपर्टी है, कोई भी गिवन प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक साइज को ले लेते हैं हम, तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या कम होगा, और जब ग्रुप में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तब एटॉमिक साइज पे क्या असर। दिस इज पीरियोडिक ट्रेंड। पर इस पीरियोडिक ट्रेंड के पीछे रीजन जो होगी उसको देखने की कोशिश करेंगे, इन अदर वर्ड्स फैक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज को आगे दो कैटेगरीज में रखा गया है। पहली कैटेगरी है एटॉमिक रेडियस एंड सेकंड कैटेगरी इज आयनिक रेडियस। हमने इन दोनों टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन को पढ़ना है, इनके ट्रेंड्स को पढ़ना है, फैक्टर्स को पढ़ना है, एंड इन द एंड वी विल सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अबव टॉपिक्स। इन दिए गए टॉपिक्स में से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे।
तो चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। तो अगर आप डेफिनेशंस को देखें तो सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन लिखी है एटॉमिक रेडियस की, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है एवरेज डिस्टेंस, उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस के बाद डेफिनेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है ट्रेंड। ट्रेंड को हमने देखना होता है इन ग्रुप एंड इन पीरियड। ग्रुप पीरियड में देखते हैं, पीरियड में अगर आप देखें तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और अगर ग्रुप के अंदर देखते हैं तो एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। फैक्टर्स क्या वजह है कि क्यों जो है पीरियड में साइज डिक्रीज कर रहा है और ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है? तो फैक्टर्स अगर हम देखें, हमारे पास तीन फैक्टर्स लिखे हैं। फैक्टर नंबर वन इज द न्यूक्लियर चार्ज, जो कि सिर्फ हमें पीरियड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी जब हम पीरियड में ट्रेंड को डिस्कस कर रहे होंगे तब हम ये वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे, या ये कह लें कि ये वाला फैक्टर पीरियड में जो साइज डिक्रीज होता है उसके पीछे मेन रीजन ये वाला। दूसरे दो फैक्टर्स जो अगर हम देखते हैं, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट एंड द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल तो अगर समझें, जैसे जैसे हम पहले पीरियड से दूसरे पीरियड, तीसरे पीरियड, चौथे पीरियड ऊपर से नीचे आएंगे, फर्स्ट ग्रुप को अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो अगर आप देखें हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक शेल है, लिथियम के अंदर दो शेल है, सेकेंड पीरियड में आ गया है दो शेल, थर्ड पीरियड में सोडियम है इसके तीन शेल। तो अगर आप गौर करें तो जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं एक एक शेल का इजाफा होगा, तो ऑब्वियसली आखिरी शेल न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, जिससे रेडियस में भी क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अब सेकेंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट, विच आल्सो इज द रीजन फॉर द इंक्रीज इन साइज इन ग्रुप्स, कि ग्रुप में जो साइज बढ़ता है, एक तो शेल का इजाफा है, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। नो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, इसको समझने के लिए हायर एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं पहले शेल के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको देखें, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस की इस वक्त कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे है? बिल्कुल सही समझे आप, सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और फिर उनके बाद ये सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन आएगी जो बचेगी। अब क्योंकि अंदर जो टोटल दो शेल मौजूद हैं वो न्यूक्लियस की कशिश को अपने तक महदूद कर लेंगे, या यूं कर लेंगे कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो बाहर जा रही होगी उसको शील्ड कर लेंगे, रोक लेंगे रास्ते में। तो इस इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, कि इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स जिनको मैंने ब्लैक सर्कल किया है, इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का कम हो जाना इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं अंदर वाले शेल्स का इजाफा होता जाता है, ठीक है? तो अंदर अंदर शेल जो इजाफा होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स में भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है,
कि हमारे पास साइज में इंक्रीज आ जाता है, साइज बढ़ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारा आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस की बात करते हैं। इसमें भी हमने डेफिनेशन पढ़नी है, ट्रेंड पढ़ना है, फैक्टर। तो डेफिनेशन क्या होगी, द साइज ऑफ एन आयन व्हेन इट कंसिडर्ड स्फेरिकल। जब आयन को आप स्फेरिकल कंसिडर करेंगे तो तब हम इसको, इसका जो साइज होगा उसे आयन का साइज कहेंगे। पहले तो बात ये आती है कि हाउ एन आयन इज फॉर्म, एक आयन कैसे बनता है। जाहिर है आयन दो तरह के हैं, केटाइन और एनाइन। तो जो केटाइन है तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और एनाइन तब बनता है जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए। तो यहां पे एनाइन और केटाइन की बात करनी है आयनिक रेडियस के अंदर। डेफिनेशन हो चुकी है, ट्रेंड इसका वही होगा जो हमने एटॉमिक रेडियस का पढ़ा है, पीरियड में डिक्रीज करेगा, ग्रुप में इंक्रीज करेगा। फैक्टर्स भी इसके वही होंगे जो हमने वहां पढ़े हैं। तो फैक्टर्स ट्रेंड हमारा सेम होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इन दोनों से रिलेटेड कॉमन मैंने अलग से रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं दोनों टॉपिक्स में से, एटॉमिक रेडियस में से भी और आयनिक रेडियस में से। अब जो एटॉमिक रेडियस है उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये आपने पहली दफा सुना होगा। एटॉमिक रेडियस वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है अपनी पार्ट वन की बुक में, लेकिन उसमें आपने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा था। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपके चैप्टर में ऐड है। व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, आपको यह तो पता होगा कि लेंथेनाइट्स कौन से एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल सही समझे, पीरियोडिक टेबल के नीचे जो एफ ब्लॉक है उसमें पहली सीरीज, उनको लेंथेनाइट्स कहते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब उनका साइज श्रिंक हो गया है। जाहिर है पीरियड में साइज श्रिंक करता है, लेकिन इनका साइज लगता है ज्यादा श्रिंक हो गया है, इसीलिए लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड यूज किया जा रहा है। अब क्या वजह है कि इनका साइज जो डिक्रीज हुआ है, आपकी बुक में लिखा है द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनाइट्स इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिक्रीज इन देयर साइज, द रीजन इज दैट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन 4f ऑर्बिटल। इनके जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो f सब शेल या f ऑर्बिटल में आते हैं, विच हैज वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट के लिहाज से जाएं ऑर्बिटल्स की नेचर के ऊपर, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट f का होता है। जब f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोक नहीं पाएंगे। न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को जब रोक नहीं पाएंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आखिरी शेल को अपने करीब खींच लेगा। जब आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यही वजह है इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका आंसर आपके सामने है, अगर आप देखें तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन आपके सामने नजर आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जो ट्रेंड से रिलेटेड आ सकता है आपके पेपर के अंदर, कि व्हाई द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस इन द पीरियड एंड इंक्रीजेस इन द ग्रुप। तो इसको आपने आज का टॉपिक समझा है, खुद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयनिक रेडियस में से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा भी है, जो ऑलरेडी रिसेंटली पिछले दो पेपर्स में से एक पेपर में मैंने देखा है कि व्हाई द साइज ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आयनिक रेडियस की बात कर रहा था तो मैंने कहा आयन दो तरह के हैं,
केटाइन और एनाइन। केटाइन जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो अपने पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है, और एनाइन जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसका साइज पेरेंट एटम से बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में बता रहा है कि साइज बड़ा है, वो आपसे पूछ रहा है क्यों बड़ा है। तो इसका आंसर है कि ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। न्यूक्लियर होल्ड द इलेक्ट्रॉन विद वीकर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक कम हो जाएगा तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स को वीकर फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, पकड़ेगा, एंड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विल एक्सपेंड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाएगा। तो पहली अगर ये मेन रीजन क्या है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, न्यूक्लियर होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन विद वीकर फोर्स एंड द साइज ऑफ एटम एक्सपेंड्स। तो इसमें देखें तो मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन रेशियो इम्बैलेंस हो गई है। फर्ज करें आपने फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, फ्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन और 9 ही प्रोटॉन है, आपने इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन, आप इसकी मिसाल रस्सा कशी से ले लें, इक्वल फोर्स लगाने वाले पहले 9 बंदे एक तरफ थे, 9 बंदे एक तरफ थे, तो रस्सा जो था वो बिल्कुल सेंटर में था। जैसे ही एक तरफ 10 बंदे किए तो अब आप खुद सोचें कि वो जो रस्सा है वो किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो साइज बाहर की तरफ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी आपने याद रखना है कि केटाइन का साइज भी छोटा हो जाएगा, और मस्ट याद रखिएगा साथ एग्जाम्पल भी आपने देखनी है, आपके बुक के अंदर मेंशन है, जैसा कि मैंने भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये हमारा क्वेश्चन, अब आज का हमारा ये जो लेक्चर है यहीं पे हम इसको क्लोज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था एटॉमिक साइज, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को पढ़ा है। इसको पढ़ने के बाद हमने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है जो कि पास्ट पेपर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयनिक रेडियस, एनायन का साइज और केटायन का साइज। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद।